मत। और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज चैनल। इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल है, हालांकि अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और जल्द ही होने वाला है। ऐसे में हर कैंडिडेट अपना अपना दावा पेश कर रहा है और अपने अपने पंचायत में क्षेत्रों में जाकर के गली मोहल्ले में अपने अपने वोटरों से बात कर रहे हैं और उसको अपनी तरफ माइल करने में आकर्षित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम आए हैं बात करने हैं आज एक ऐसे युवा नेता से, शकील अहमद उर्फ निहाल जी से, जो बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम रूबरू कराते हैं शकील अहमद जी से। शकील जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जो है आप सुखासन पंचायत में इस प्रकार के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हैं और ख़ास करके जो युवा कैंडिडेट से आप मिल रहे हैं, तो हम आपका प्रशंसा करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं। जी शकील जी, ये बताइए कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले हर उम्मीदवार आता है और बड़े बड़े दावा पेश करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और समाज का सेवा करेंगे, और समाज का सेवा करते करते ऐसा मेवा खाते हैं और कहां से कहां निकल जाते हैं, जनता को उसी हालत में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मौका मिलता है इस बार, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे? देखिए, हर कोई एक सोच के साथ आता है चुनाव में। अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए आपके पास और उस लक्ष्य के तहत ही आपको चुनाव में जाना चाहिए। अगर आप पब्लिक को अभी किसी बात में उलझा के, अगर उसको बहला के, उसको फुसला के या कोई चीज़ के आड़ में रख के अगर उनका आप मत लेते हैं और उनका मत लेके आप अगर पद में आते हैं और उसके साथ अगर दुष्व्यवहार करते हैं, जो उम्मीद और जो अपेक्षा एक प्रतिनिधि से जनता रखती है, अगर उसके ऊपर आप खरा नहीं उतरते हैं, तो ये गलती जनता का नहीं है। जनता तो उम्मीद करके आपको वोट देती है, आशा के साथ वोट देती है, लेकिन जो उम्मीदवार है, जो जीत के पद में आते हैं, वो उनके साथ जो है गलत व्यवहार करता है। तो आज अगर हम पंचायत चुनाव में आ रहे हैं तो उसका मेन कारण क्या है कि हम आपके साथ में धोखा करने नहीं आ रहे हैं, आपको बरगलाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपके जो सोच है, आपका जो आशा है, उस पर हम खरा उतरने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम एक मुद्दा के तहत आ रहे हैं, मैनिफेस्ट के साथ आ रहे हैं, लिस्ट के साथ आ रहे हैं, और वो लिस्ट समाज के हर वो क्षेत्र को कवर करेगा जो हमारे डेली जीवन में जो हमें ज़रूरत है। देखिए, ऐसे में हर मुखिया, जो भी पिछला मुखिया जो लोग रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से काम किए हैं और हालांकि अभी बहुत काम बाकी है। तो क्या आप अगर जीत जाते हैं तो वो काम कर पाएंगे? देखिए, अगर अभी देखा जाए तो जितने भी मुखिया अभी पिछले 4 टर्म्स में गुजरे हैं, अगर उनको देखा जाए तो जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आने के बाद जो सरकार महिलाओं को आरक्षण दी है 50% का, और उस आरक्षण के तहत आज महिला कैंडिडेट हमारे पंचायत में पिछले 3 टर्म से लड़ रही है, लेकिन अब तक वो कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आई है, ना ही वो पब्लिक पे कभी आई है और ना ही प्रत्यक्ष रूप से किसी महिलाओं से जाकर बात विचार की है। तो ये सब चीज़ मैंने खामी है। जब तक आप लोगों से जुड़िएगा नहीं, आप हर लोगों डोर टू डोर जाइएगा नहीं, लोगों से बात विचार कीजिएगा नहीं, पूछिएगा नहीं कि उसके अंदर क्या समस्या है, उसके परिवार में क्या समस्याएं हैं, तब तक हमको लगता है कि आप जो है समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और आगे आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा तो कुछ साल पहले गांव घर में लोग कम ही जो है शिक्षा को महत्व देते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि हर परिवार से लोग शिक्षा की तरफ जो है अपने बच्चों का रुख किया हुआ है, कोशिश करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पास जो पर्याप्त साधन नहीं है, और साधन है भी तो उसको जो है उस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है, संस्था नहीं मिलता है, या आप सरकारी स्कूल में भी देखेंगे तो वहाँ का भी काफ़ी बदहाली है। तो एक अच्छा एजुकेशन के लिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर जा कर के हमारे बच्चे बच्चियाँ जाके वहाँ ट्यूशन करती है। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, उसमें हम लोग यही कह रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड में एक कोचिंग सेंटर हम लोग खोलेंगे और हर परिवार के बच्चे या बच्चियों को हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम फीस के साथ में उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करें। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, देखिए, अभी स्वास्थ्य एक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में था, लेकिन आज वो भी नहीं है। अगर हमें किसी भी मैंने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी अगर समस्या हमारे मैंने स्वास्थ्य के साथ में आता है, तो हमें यहाँ से तकरीबन
माने 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर जो हमारा कटिहार शहर है वहाँ हमको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की बदहाली हमारे पंचायत में है और हम कोशिश करेंगे वही सब फील्ड के ऊपर में मजबूती से काम करें जी। तो देखिए शकील जी, आप अभी जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, तो क्या आपके पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमको सरकारी योजना का ये लाभ नहीं मिला, जैसे कि इंदिरा आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये भी जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, क्या इस प्रकार की आपके पास कोई शिकायतें आती हैं? देखिए, राशन कार्ड, इंदिरा आवास और पेंशन, ये सब जहाँ तक ये सब की बात है तो वो किस कैटेगरी को मिलना चाहिए, ये इस प्रकार से जो है हमारे प्रतिनिधि जो हमारे माने वार्ड के हों या हमारे पंचायत के जो मुखिया लोग हैं तो उन लोगों को एक सर्वेक्षण करना चाहिए। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हर 5 टर्म में एक एक मुखिया का चुनाव होता है, तो उन लोगों को सर्वेक्षण करना चाहिए, पता करना चाहिए कि अपने गांव समाज में किन किन लोगों का जो है अभी तक जो है पेंशन नहीं हुआ है, राशन कार्ड नहीं बना है या इंदिरा आवास नहीं मिला है। अब जहाँ तक इंदिरा आवास मिलने की बात है तो आज अगर देखा जाए तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से वार्ड मेंबर के थ्रू जो है जनता को इंदिरा आवास प्रोवाइड कर रही है, तो ये सब का जब लेखा जोखा आप सरकार को दीजिएगा नहीं तब तक सरकार आपको कहाँ से जो है इंदिरा आवास प्रोवाइड करेगी। तो हमारे पास कुछ आंकड़ा नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर परिवार से आंकड़ा को हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसके पास जाएंगे और उसके पास जो भी समस्याएं हैं, ये इनके अलावा भी इंदिरा आवास पेंशन और आपका राशन कार्ड के अलावा जो भी समस्याएं हैं वो सब चीज़ से हम लोग निजात दिलाने का कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जो भी आपके लोग हैं आप उसको क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता बेहतर समझती है कि हमें किस प्रकार का माने नेता को इस बार चुनना चाहिए। देखिए, जनता अपना मत दे रही है, वो अपना 5 साल का अधिकार किसी को सौंपने जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनके पास एक अच्छा सोच होगा, अच्छा विचार और अच्छा सोच के तहत इस बार जनता को चुनेगी। अगर हमें जनता उस लायक समझती है कि हम उनके जो है माने उम्मीद पर खरा उतरेंगे तो आप हमें वोट कीजिए। और हमारे पास जो मुद्दा है, जो 12 पॉइंट के ऊपर में हम काम कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, उनमें भी हम बताए थे कि 12 मुद्दा को हम व्यक्तिगत रूप से लेकर चल रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी आपको योजना दी जाएगी वो तो आपको मिलना तय है, और लेकिन मेरे द्वारा जो मैं मैंने मुद्दा लेकर चल रहा हूँ 12 पॉइंट है, वो समाज के हर एक क्षेत्र में आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्ची या बच्चों को जो है भविष्य उनका कैसे बने, उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए, और जहाँ तक देखिए महिला सशक्तिकरण जो है सरकार जो हिंदुस्तान में इसको बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण का कानून लेके आया है, लेकिन आज तक हमारे कोई भी पंचायत प्रतिनिधि उस चीज़ के ऊपर में लोगों के साथ बात विचार नहीं किया है। अब इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, महिलाओं को जहाँ तक उनका हक मिलना चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम होना है वो हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे हमें आग्रह है कि आप सोच समझ करके इस बार चुनाव में वोट करेंगे। धन्यवाद शकील जी, हमसे हमारे चैनल से बात करने, शुक्रिया आपका भी।